हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट लवर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे के परफेक्ट अराइवल्स हैं, और इंडिया और पाकिस्तान भी इसी तरह एक दूसरे के परफेक्ट मद्द मुकाबिल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर आजम के ट्वीट की हर तरफ चर्चा है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बाबर आजम का ट्वीट, जिसमें उन्होंने खराज तहसीन पेश किया विराट कोहली को और उनकी हौसला अफजाई की एक छोटे से ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने उनसे कहा, स्ट्रॉन्ग रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उन्होंने इस ट्वीट के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई की ताकि वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकें, और उन्होंने एक जेस्चर दिया एक अच्छे प्लेयर होने का और अच्छे इंसान होने का। यही चीज़ होती है कि ना सिर्फ आप अच्छे प्लेयर हों बल्कि आप इंसान कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इंडिया में जर्नलिस्ट और क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की, और ट्वीट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ चैनल्स पे बाबर आजम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और विराट कोहली ने भी उनको रिप्लाई कर दिया है। हम आपको रिप्लाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल क्रिकेट लवर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी हां, आपको बताते चलें, विराट कोहली ने भी कर दिया है रिप्लाई बाबर आजम को। विराट कोहली ने उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, बेस्ट विशेज का इजहार किया है। उन्होंने कहा है, राइज करते रहें, शाइन करते रहें, और यही परफेक्ट अराइवल्स की, परफेक्ट लोगों की निशानी है कि जो सुपरस्टार होते हैं वो बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं। और बड़े दिल का सबूत दिया है विराट कोहली ने भी, और बड़े दिल का सबूत दिया है बाबर आजम ने भी। और आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आपका फेवरेट कौन है, बाबर आजम या विराट कोहली। कमेंट बॉक्स पे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।